ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इन विच कॉमन डिफरेंस सेम एपी. सपोज लेट मी गिव वन एग्जांपल. सपोज 5, 7, 9, 11, 13, 15. ओके, इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम. देखते हैं कॉमन डिफरेंस में सेम है या नहीं है. यहां पे इसका और इसका डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस 2, ये भी डिफरेंस 2 और ये भी डिफरेंस 2. तो इसका मतलब इस जो मैंने पूरी अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन लिखी है इसमें सभी का जितने भी हमने टर्म्स ली है उन सभी का डिफरेंस सेम है. उन सभी का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. क्लियर है? तो आपको यही देखना है कि अगर किसी प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या तो नेगेटिव में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, बस आपको देखना है कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है दो टर्म्स के बीच में. यहाँ पे इस तरह. तो अगर ऐसा है तो वो क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी. अब इसमें जो यहाँ पे होती है जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म उसको लिखते हैं हम ए. फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं डी. ओके, अब एन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन. नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलती रहेगी. तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास है वो नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अब यहां पे nth टर्म को इसको बोलेंगे an. nth टर्म को क्या बोलेंगे? an, nth टर्म. nth टर्म का मतलब जैसे ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, आगे सेवंथ एट टर्म आएगी. मतलब जितनी भी हम n लेंगे, जैसे 100 n लिया तो a 100 का मीन्स 100 टर्म, राइट? अब इनको मिला के जो फॉर्मूला बनता है बेटा nth टर्म का, वो बनता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, d मीन्स कॉमन डिफरेंस और an मीन्स nth टर्म. कोई डाउट? अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं. देखो, अगर सभी सपोज करो यहां से मुझे टेंथ टर्म चाहिए तो n की वैल्यू कितनी हुई? 10. टेंथ टर्म अगर मुझे चाहिए तो n की वैल्यू कितनी हुई? 10. तो यहां पे मैं 10 पुट करूंगा n की जगह. तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. तो इसका मतलब मैं a10 को a प्लस 9d लिख सकता हूं. अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो a100 को क्या लिख सकता हूं? a प्लस, a कम कर दो से, 1 लेस, 99d. a प्लस 99d. कोई डाउट? ऐसे अगर a मुझे लिखना है a15 तो a प्लस कितना आ जाएगा? 14d. तो डायरेक्ट आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं. क्लियर है? अगर कहीं पे a100 लिखा है उसका मतलब a100 होता है, मतलब 100 टर्म होती है, और 100 टर्म का मतलब a प्लस 99d. इज दैट क्लियर? इस तरह हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे बेटा. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बता दिया जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है. और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे कोई भी टर्म निकालनी है आपको तो उससे 1 कम ले लेंगे डी के साथ. जैसे ए 100 निकालनी है तो ए प्लस 99d, राइट? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड 5.2. दोनों एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से आपकी हो जाएगी. ओके, थैंक यू वेरी मच.